नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी मीठी सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी भी है और अनोखी है। ये आपने अभी तक शायद ट्राई नहीं किया होगा इसको कभी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट दलिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों से शेयर भी करें। आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं चॉकलेट दलिया। उसके लिए हमको चाहिए ये 5-6 इलायची है जिनका हम पाउडर बना लेंगे, और हमको चाहिए दलिया, शुगर, चॉकलेट पाउडर, दूध, चोको चिप्स, दूध की क्रीम, 15-20 भीगी हुई बादाम जो 2 से 4 घंटे भीगी हुई हो, और हमको चाहिए इसके लिए घी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में घी डालेंगे। हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसमें डाला हमने दलिया। गैस को सिम करेंगे और दलिया को भूनेंगे। आप इसको चलाते रहिए क्योंकि नीचे से नहीं तो वो लग जाएगा और दलिया जल जाता है। अब दलिया भुन जाने की खुशबू आने लगी है। अब इसमें 3 सीटी लगवाएंगे। ये देखिए दलिया हमारा पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध, 1/2 चम्मच शुगर। आपके स्वाद अनुसार आप शुगर ऐड करें, क्योंकि चॉकलेट पाउडर में भी वो मीठा होता है, इसलिए आप शुगर पहले कम ऐड करके देखें। बाद में आपको जितना मीठा पसंद हो आप टेस्ट के बाद उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने ये हॉट चॉकलेट लिया है, चॉकलेट पाउडर मार्केट में ये अवेलेबल है। धीमी आंच पर इसको अब 5 मिनट तक लगभग इसको पकने देंगे। देखिए अब दलिया पक चुका है। आप इसको जितना गाढ़ा करना चाहें उस हिसाब से आप इसमें दूध ऐड करें। बाद में थोड़ा ये और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको इस तरह का रखा है हमने। अब डालें इसमें 2 से 3 चम्मच चॉकलेट। हमारा चॉकलेटी कलर आ चुका है।
और चॉकलेटी टेस्ट भी। आपके बच्चे भी इस दलिया को बहुत पसंद करेंगे, आप उनको खिला के देखिए एक बार। आइए इसको सर्व करते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बादाम। चॉकलेट पाउडर और ये बहुत सारी चोको चिप्स।